कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में कई अहम सवालों पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थक देश भर में प्रदर्शन कर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन को किसी भी तरह की कोई मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली के स्पेशल CP सागर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमें एक मीटिंग के बाद पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 200 कांग्रेस नेताओं सहित वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत दे, इसके साथ ही 1000 कांग्रेस समर्थक को भी जाने की इजाजत दे। हुड्डा ने आगे कहा कि हमने उन नेताओं से कहा कि आप बड़े तौर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जंतर मंतर जा सकते हैं। हमने 100 लोगों को वहां जाने की अनुमति दी। इसके अलावा बिना इजाजत के वहां पहुंचने वालों को हिरासत में लिया गया। ट्रैफिक गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गोंडसेस के वंशज एक बार फिर गांधी को डराने चले हैं। ना महात्मा गांधी डरे थे और ना ही उनके उत्तराधिकारी डरेंगे। अगर इस देश में अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना, हाउस टैक्स देना, बिजली का बिल देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि कई अहम सवालों के जवाब में ईडी को राहुल गांधी से मिलने वाले हैं।